हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कलर कोड्स ऑफ रेसिस्टर्स। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेई मेंस फिजिक्स सेक्शन के अंदर आप एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो इस टॉपिक से। तो आगे इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम बिना पेन चलाए सेकेंडों में कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। तो ये रेसिस्टर जो होता है अपना, ये दो टाइप का होता है, एक वायर बॉन्ड रेसिस्टर और दूसरा कार्बन रेसिस्टर। और हमें कार्बन रेसिस्टर के बारे में पढ़ना है। कार्बन रेसिस्टर कुछ इस टाइप सा दिखता है, ओके और इसमें जो ये नंबरिंग कर रखा है मैंने 1, 2, 3, 4 अलग अलग इस तरह के स्ट्रिप बने हुए हैं। तो हमारे पास ये एक टेबल सा है और इसी से हम ये समझने वाले हैं, ओके तो बेसिकली ये जो स्ट्रिप्स बनी हुई है ये डिफरेंट कलर्स की होती है, जो कि यहाँ पे मेंशनड है, आप देख सकते हो, ओके और इसमें जो पहले दो स्ट्रिप्स हैं, पहले दो कलर जो है वो इस किसी डिजिट को डिनोट करेंगे। जैसे कि अगर पहला कलर ब्राउन है तो वो 1 को और रेड है तो 2 को, इस तरह करके डिनोट करेंगे, ओके तीसरा कलर जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है, वो 10 की पावर में ऐसा कुछ, ओके और चौथा कलर जो है वो टॉलरेंस, ये 3 टॉलरेंस जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम्स को करते हैं और आपको समझ में आने वाला है कि इस टेबल को हम कैसे यूज़ में लेते हैं, ओके तो अपना पहला प्रॉब्लम जो है वो कुछ ऐसा है, द 4 कलर ऑन अ रेसिस्टर आर ब्राउन, येलो, ग्रीन एंड गोल्ड एज रेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके ये सीक्वेंस में ऐसा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, वट इज़ द रेजिस्टेंस कोरस्पॉन्डिंग टू दीज कलर्स, ओके तो अब यूज़ में आता है अपना ये टेबल, ओके तो पहला कलर क्या है ब्राउन, दूसरा क्या है येलो, और यहाँ पर मैंने क्या बताया, पहले दो कलर जो होते हैं वो इस नंबर को डिनोट करते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट को। तो ब्राउन के लिए क्या लिखेंगे, 1, येलो के लिए 4, राइट उसके बाद, और थर्ड कलर जो अपना होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लायर। थर्ड कलर अपना कौन सा है, ग्रीन, ग्रीन कहाँ यहाँ पे मल्टीप्लायर 10^5, ओके तो (10^5). चौथा कलर जो होता है अपना वो क्या होता है, टॉलरेंस। चौथा कलर अपना है कौन सा, गोल्ड, तो टॉलरेंस यहाँ पे गोल्ड, ओके 5, तो इसे ऐसे लिखते हैं ±5%, ये सारा कुछ इस ब्रैकेट के अंदर ऐसे ओम। तो इस क्वेश्चन में दिए गए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो रेसिस्टर है उसका रेजिस्टेंस ये आने वाला है, राइट। लेकिन अब ये बात आती है कि ये तो हमें समझ में आ गया और ये कैसे लिखना है वो भी समझ में आ गया, लेकिन ये टेबल कैसे याद रहेगा हमें, ओके तो इस टेबल को याद रखने का भी एक बहुत ही अच्छा फनी तरीका है। तो ऐसे कुछ है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ये जो फर्स्ट लेटर है साढ़े भी वर्ड्स का वो इस कलर्स को डिनोट करता है सीक्वेंस में, ओके इस तरह देख सकते हो आप, बीबी ब्लैक ब्राउन, रॉय में ROY रेड ऑरेंज येलो, इस तरह करके ये सीक्वेंस में है ऐसे, बस आपको ये लाइन याद रखनी है और आपको पूरे सारे कलर्स याद हो जाएंगे, ओके उसके बाद क्या करना है अपने को 0 to 9 तक यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर क्या करना है ये जो नंबर है इसको 10 के पावर में लिखना है, 10^0, 1 इस तरह करके 9, फिर -1, -2 पावर में। उसके बाद ये 3 चीज़ याद रखनी है, टॉलरेंस जो होता है वो गोल्ड का, सिल्वर का और नो कलर का। तो काफ़ी आसान है, अगर हम 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस करें तो ये चीज़ हमें याद हो जाने वाली है हमेशा के लिए। और इस टेबल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। तो अपने सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, अ 200 ओम रेसिस्टेंस हैज अ सर्टेन कलर कोड इफ़ 1 रिप्लेसेज द रेड कलर बाय ग्रीन, ओके इन द कोड द न्यू रेसिस्टेंस विल बी, ओके तो 200 ओम इसका रेसिस्टेंस दे रखा है हमें। और क्या इस टेबल में हम देखेंगे तो क्या है, ये जो 2 है किसे डिनोट करता है, रेड को, तो हमें पता चल गया इस रेड को हमें किससे रिप्लेस करना है, ग्रीन से, राइट और ग्रीन का कितना होता है 5, तो हमें इस 2 को 5 से रिप्लेस कर देना है और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 500 ओम। क्या इस क्वेश्चन में पेन चलाने की भी ज़रूरत है, और ये क्वेश्चन जेई मेन्स 2019 में April 8 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इतने आसान सवाल भी पूछे जाते हैं, तो आपको करना क्या है इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है बस। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कार्बन रेजिस्टर, रेजिस्टेंस अपने को दिया हुआ है और क्या करना है, कलर्स बताना है सीक्वेंस में। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 24, 10^6 ±5%, ओके तो टेबल पर आते हैं फिर अपन। पहला दूसरा क्या होता है, नंबर होता है सिग्निफिकेंट डिजिट, ओके कितना है 2 और 4,
टू किसके लिए है, रेड के लिए, फोर किसके लिए, येलो के लिए। तो यहाँ से पता चल गया ये कौन सा कलर होगा, रेड, ये कितना कौन सा कलर होगा, येलो। ओके थर्ड क्या होता है, मल्टीप्लाई 10^6। ओके 10^6 क्या है, ब्लू, और प्लस माइनस 5% ये क्या है, टोलरेंस। टोलरेंस कितना, 5, ये कौन सा हो गया, गोल। तो इस तरह ये पहला कलर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये काफ़ी आसान टॉपिक है, अगर आप इसे देख के जाते हो एग्ज़ाम से पहले भी तो आपके 4 मार्क्स तो फिक्स ही हैं जेईई मेंस के अंदर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।